बच्चों आप लोगों को कल क्या क्या मिला था खाने में? ठीक, ये सरकारी स्कूल ना बनने दें और सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो इनका मिशन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहें। जोर से बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। शायद आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला सकते हो। शायद आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हों कि आप उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं दिला सकें और उनका फ्यूचर बेहतर कर सकें। लेकिन देश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकते। उनके लिए सरकारी स्कूल बनाए गए थे लेकिन उसको भी ख़त्म करने की लगातार साजिश चल रही है। मैं आपको आज ऐसे कई सबूत दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको लगेगा किस तरीके से सत्ता में जो सरकार है वो सरकारी स्कूल ख़त्म करने के पीछे पड़ी हुई है। जहां हर एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है वहां सरकारी स्कूल को भी इस रो में खड़ा कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अब तुम्हारी बारी है। दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा सरकार की एक योजना है, वो हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ है, जो ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली में, वहाँ पर चिराग योजना चलाई जा रही है जिसके तहत जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या जो बच्चे चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में जाएं उनके लिए सरकार 700 से लेकर 1100 तक की फीस सरकार खुद भरेगी। अब आप सोच सकते हैं सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में 700 से लेकर 1100 तक की फीस भर रही है। दरअसल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की अगर माने तो उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार इसके तहत सरकारी स्कूल ख़त्म करना चाहती। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए सरकार ने 500 रुपये फीस रखी है और जब वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसको 700 से लेकर 1100 तक का सरकार की तरफ से योगदान मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर हर इंसान को 700 से लेकर 1100 तक का योगदान मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए और साथ ही साथ उसे 500 रुपये भरना पड़ रहा है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हर इंसान चाहेगा कि उसका बच्चा कुछ और पैसे लगा के प्राइवेट स्कूल में चला जाए और हर कोई प्राइवेट स्कूल की तरफ भागने लगेगा क्योंकि सरकार लगातार आपकी सहायता कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। ऐसे में जब सरकारी स्कूल खाली हो जाएगा और सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं होगा और लगातार पैसे दे रही होगी सरकार सरकारी स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को और बाकी चीज़ों पर लगातार पैसे खर्च हो रहे होंगे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारे खर्च स्कूल के, तो सरकार ये कह के सरकारी स्कूल बंद कर देगी कि हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल में चले गए तो हम सरकारी स्कूल घाटे में क्यों चलाएं, हम सरकारी स्कूल में पैसे क्यों खर्च करें जब यहाँ पे बच्चे ही नहीं है। और जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और सोचिए गलती से सरकार ने अपना हाथ खींच लिया और वो 700 से 1100 रुपए जो बच्चों को दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो आने बंद हो गए, तो बच्चे जो गरीब के हैं वो कहाँ जाएंगे? उन बच्चों के साथ तो ऐसा हो गया, ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद हो गया है और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी महंगी है कि शायद उनके पेरेंट्स अफोर्ड ना कर पाए। आखिरकार उनको फिर मजदूरी में लगना होगा और जिस तरीके से उनके परिवार ने जिंदगी बिताई उनको उसी हाल में जीना पड़ेगा। जहाँ पे सरकार को चाहिए कि बेहतर से बेहतर सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं शायद खाने की लालच में पढ़ने आ रहे होंगे क्योंकि उनको घर में खाना नहीं मिलता होगा, उनको नमक और रोटी खिलाई जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर। दरअसल यूपी तक नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे जिसने रिपोर्टिंग करते वक्त यूपी के एक स्कूल में जाँच की जहाँ पे पता चला कि बच्चों को खाने के जगह नमक और रोटी खिलाई जा रही है। आप सोच सकते हैं नमक और रोटी बच्चों को खिलाई जा रही है जिनको खाने के लिए सरकार ने कहा है, सरकार लगातार उनके लिए भुगतान करती है, पैसे देती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें नमक और रोटी दी जा रही है। जरा देखिए ये वीडियो। बच्चों आप लोगों को कल क्या क्या मिला था खाने में? ठीक, जोर से बोलिए। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से यूपी के अंदर सरकारी स्कूल की हालत है और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया दिल्ली के ये इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल को बंद करने का प्रयास बीजेपी सरकार लगातार करते हुए नजर आ रही। उन्होंने कई ऐसे आंकड़े रखे जिसको आपको सुनना चाहिए। दरअसल मनीष सिसोदिया की माने तो 72,747 स्कूल 2015 से लेकर 2021 के बीच में बंद कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 26,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद किया गया और मध्य प्रदेश में 22,000 स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी स्कूल की हालत है, जहां पे टीचर्स नहीं आते, जहां पे फर्नीचर नहीं है, जहां पे बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, जहां बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, वहां पे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उसके बाद भी उनको ठीक से खाना नहीं मिलता। जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, वहां पे उसी राज्य के अंदर बच्चों को नमक और रोटी खिलाते हुए
लोग नजर आते हैं। फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा। हाल ही में मैंने एक खबर बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था किस तरीके से एक बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है, जहां पे वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकारी स्कूल की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, जहां पे सरकारी स्कूल के अंदर घासें उगी हुई है, फर्जी के सामान बिखरे हुए हैं, क्लासरूम में फर्नीचर नहीं है, टीचर नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। वो बच्चा खुद रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद आप सबने भी देखी होगी क्योंकि लगातार वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई। क्या बता रहा हूँ कि स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए, क्या कर रहा है सरकार? देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग, या देखिए जंगल है स्कूल में। आपने ये वीडियो देखी किस तरीके से एक बच्चा सरकारी स्कूल की हालत सबको बताता हुआ नजर आ रहा है रिपोर्टिंग के माध्यम से। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है जहां ये कहा जाता है कि देश के सबसे बेहतर स्कूल है। अब मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया है क्योंकि सरकार उनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी की जांच करवा रही थी और उसमें फिलहाल मनीष सिसोदिया का ये दावा है कि सरकार को कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद सरकारी स्कूल के पीछे बीजेपी सरकार पड़ गई है, ऐसा मनीष सिसोदिया कहते हुए अपनी वीडियो में नजर आ रहे हैं। अब इनकी साजिश है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इनको यह हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं, शानदार बन गए और शानदार चल रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार लोगों की पार्टी है और यह पूरे देश को अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है। इनको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बन जाए। इनकी जहां जहां सरकार है, इन्होंने सारे राज्यों में अपने में सरकारी स्कूल बंद किए हैं पिछले 5-6 साल में, जब से ये लोग 7 साल से आए हैं सरकार में। हकीकत यह है कि आज देश के करीब 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की बकवास करके, इस तरह की फर्जी FIR करके, इस तरह की फर्जी जांच करके, इस तरह के फर्जी आरोप प्रत्यारोप लगा के ये सरकारी स्कूल ना बनने दें और सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो इनका मिशन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दिल्ली ने एक कॉन्फिडेंस दिया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि सरकारी स्कूल शानदार बन सकते हैं, शानदार चल सकते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अब जो इनकी ये नई नौटंकी शुरू हुई है कि सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुख्यतः मुझे डर है कि ये सरकारी स्कूल दिल्ली के भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस बात से डर लग रहा है कि अगर देश को ये बात समझ में आ गई कि सरकारी स्कूल चल सकते हैं, तो इनका ये जो मॉडल है कि सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल खुलवाओ, ये इस पे क्वेश्चन उठने लगेंगे। इसलिए ये जानबूझ के चाहते हैं कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद हो जाए। मनीष सिसोदिया इस वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों को खत्म किया जा रहा है 2015 के बाद से, जहां उन्होंने कई ऐसे आंकड़े दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये साइट जो है वो खुद सरकार की है, जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश जाते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा किस तरीके से देखते हैं आज आप देश की शिक्षा व्यवस्था की हालत को, जहां पे देश की सरकार तो कहती है कि बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ नमक रोटी खिलाई जाती है। अगर बात करें फर्नीचर नहीं होता स्कूल में, टीचर्स नहीं होते, पानी तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, दूसरी तरफ जब दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करती और अच्छे से अच्छा स्कूल बच्चों को प्रोवाइड कराती, तो दूसरी तरफ देखने को ये मिलता है कि सरकार लगातार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई देती है। आप किस तरीके से देखते हैं अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।